हेलो फ्रेंड्स, बबीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने ब्लॉग में ये सत्तू का बाटी बना के दिखाऊंगी, लिट्टी बाटी। ये सत्तू है, चने को मैं पीस ली हूँ, भुना हुआ चना देख सकते हैं। घर पे मैं इसको बनाई हूँ चने से। अब इसमें मैं अजवाइन डालूंगी, और ये है मंगरेल, ये है आम का अमचूर, ये है हरी मिर्च और नमक पिसा हुआ है। मैं काट के नहीं डालती ताकि बच्चे लोग नहीं खाते हैं ना, बच्चे लोग के मुंह में पड़ जाता है तो रोने लगते हैं, इसलिए मैं पीस के डालती हूँ ताकि बराबर रहे, किसी के मुंह में ना पड़े, इसलिए हम पीस के डालते हैं स्वादानुसार नमक और मिर्च। और ये है सरसों का तेल, इसको हम मिक्स कर लेंगे पहले। मंगरेल थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब इसमें हम तेल डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से, ये हाथ में ऐसे बन जाए तब तक हम इसको मिक्स। सत्तू हमारा मिक्स हो गया है, अब देख सकते हैं। अब इसको मैं साइड में रखती हूँ। अब मैं आटे को गूंथने की तैयारी करूँगी। आटा मैं ले ली हूँ, अब इसमें डालूँगी अजवाइन, नमक थोड़ा सा, ये है मीठा सोडा, ये है एक कटोरी घी, देसी घी, इसको मैं इसमें मिक्स करूँगी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके हम इसमें गरम पानी से हम इसको गूंथेंगे, थोड़ा गरम पानी गुनगुना कर लेंगे तो अच्छे से आटा गूंथ जाएगा। आटा गूंथ के मैं आपको दिखाती हूँ। आटा गूंथ के रेडी हो गया है, देख सकते हैं, न ज़्यादा कड़क रहेगा न ज़्यादा नरम रहेगा, एकदम मीडियम साइज में अब हम बनाएंगे। इस आटे का मैं चकवी बना ली हूँ, देख सकते हैं। अब मैं इसे जैसे हम पूड़ी भरते हैं आलू का या कुछ भी बेसन का कुछ भी, ऐसे ही हम इसको भरेंगे, थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे। ऐसे हम भर के गोला गोला बनाएंगे। मीडियम साइज का मैं बना रही हूँ, आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, आपका मर्जी। इतना मैं भर के बना ली हूँ, अब चलिए फ्राई करके आपको दिखाते हैं। गैस पे कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ, तेल गरम हो रहा है, इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि जले ना, और स्लो फ्लेम पे करेंगे तो पक जाएगा अच्छे से और कच्चा नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं लिट्टी बन के रेडी हो गया है।
एकदम स्लो फ्लेम पे इसे तलेंगे ताकि अच्छे से फूले फूले हो। लिट्टी बन के रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं एकदम हलवाई वाले ट्रिक से एकदम फूल फूल के एकदम मोटी मोटी हो गई है। आप भी ऐसे बनाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि लिट्टी कैसी बनी है। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।